हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय आपका अपने और हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पूर्व हमने हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, इन पर विस्तार से चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जाम में आने वाले सभी बिंदुओं, सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस वन डे एग्जाम या आपके पीएससी एग्जाम में आते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इनको विस्तार से हम समझेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, इससे पीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसके पहले भी आए हुए हैं, तो हम विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला की यदि हम बात करें, यह भी एक प्राचीनतम पर्वतमाला है और यह पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत, यानी उसको हम बोल सकते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत, या इसे हम बोलते हैं फॉल्स माउंटेन यानी झूठा पर्वत, या हॉस्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, फॉल्स माउंटेन यानी झूठा पर्वत या हॉस्ट किसे कहा जाता है। तो आप ये देखिएगा, समतल सतह या सरफेस वाला स्थान जो मध्यवर्ती भाग से ऊपर की ओर उठ जाता है और उसके दोनों तरफ जो भाग होता है वो धसा हुआ होता है, उसे हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। विंध्याचल पर्वत एवं हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस वाली सतह है, ये सरफेस या सतह है, इसका मध्यवर्ती भाग जो है ये ऊपर की ओर उठा हुआ है और इसके दोनों ओर का जो भाग है ये धसा हुआ है। ऐसे पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत या झूठा पर्वत या हॉस्ट, इन नामों से जाना जाता है। देखिए, एक सरल भाषा में हम यह बोल सकते हैं कि कोई भी धरातल वाला है ऐसा स्थान जिसका मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो और उसके दोनों ओर के जो भाग है ये धसे हुए हों, तो ऐसे पर्वतों को हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत या फॉल्स माउंटेन झूठा पर्वत या हॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम ये समझ लें कि इसको झूठा पर्वत क्यों बोला जाता है। एक्चुअल में यदि हम देखें तो ये कोई पर्वत नहीं है, क्योंकि इसके दोनों ओर का जो भाग है वो नीचे की ओर धस गया है, तो बीच का उठा हुआ भाग पर्वत के जैसे समान हमें दिख रहा है, इसलिए ऐसे पर्वत को हम फॉल्स माउंटेन या झूठा पर्वत के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई धरातल की सरफेस है या धरातल है, वह आकृति अचानक से नीचे की ओर धस जाए, तो जो व्यक्ति खड़ा है वो नीचे की ओर जाएगा, तो उसके दोनों ओर उठे हुए भाग, ऐसा भी समझ सकते हैं आप इसको कि मान लीजिए कोई सरफेस वाला पोर्शन था, इसका मध्यवर्ती भाग अचानक से या कोई भाग नीचे की ओर धस जाए, तो यहां जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को तो ये दोनों ओर का जो भाग है उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ऐसे पर्वत जो है इनको हम झूठा पर्वत बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में यह कोई पर्वत नहीं है। इसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये दोनों झूठा पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत या हॉस्ट जो है या ब्लॉक पर्वत जो है, इसके उदाहरण हैं। तो पहले सबसे पहले हमने ये समझा कि हमारी जो विंध्याचल श्रृंखला है या विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब दूसरी चीज हम आपको ये बता दें, ये प्राचीनतम घर्षित श्रेणी है, काफी घिसी हुई है। यह जो पर्वत श्रेणी है ये हमारा लाल बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट से बनी हुई है। इस पर्वत श्रेणी में जो उठा हुआ भाग है, जो पर्वत बना हुआ है, यह पर्वत लाल बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट जो है इससे बना हुआ है। अब हम इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, ये श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ तक जाती है, कितने राज्यों में फैली हुई है और इन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इसके विस्तार पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है मैप में, ये आप जानते हैं ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी गुजरात वाला पोर्शन जो है हमारा, तो ये गुजरात वाले पोर्शन में ये सबसे पहले हम देखते हैं, ये उत्तर में जो हमारी पर्वत श्रृंखला गई हुई है, तो यही पर्वत श्रृंखला हमारी
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला हमारे ये गुजरात राज्य है, इसका यदि हम बोल सकते हैं ये हमारा पश्चिम क्षेत्र है, ये हमारा पूर्व क्षेत्र है, तो आप ये बोल सकते हो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरात में, या तो गुजरात बोले या पश्चिम बोल सकते हो आप, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से या पश्चिम क्षेत्र से गुजरात से लेकर यह हमारा यूपी एवं बिहार क्षेत्र जो है, मतलब छोटा नागपुर बढ़ा का पश्चिमी भाग, यहां तक यह विस्तारित है या यहां तक फैली हुई है। आप देखिएगा कि इनका विस्तार तो हमने देखा कि विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग तक यह जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि यह कितने राज्यों में विस्तारित है और इन राज्यों के अलावा किन किन क्षेत्रों में इनमें पाई जाने वाली जो चोटियां हैं उनको किन नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी सबसे पहले गुजरात राज्य में इसको जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके पश्चात यह पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में विस्तारित है, मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में इसे हम भांडेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं और मध्य प्रदेश के पश्चात ये यूपी एवं बिहार वाले क्षेत्र में इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग है। और यदि बात करेंगे सर्वप्रथम गुजरात में इस पार इसे जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके पश्चात मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में इसको भांडेर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश एवं बिहार वाले क्षेत्र में इसे हम कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यदि राज्यों के विस्तार पर हम बात करेंगे तो हमारी विंध्याचल रेंज जो है ये सबसे पहले हम गुजरात के पश्चात मध्य प्रदेश के पश्चात उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चात बिहार, मतलब हम बोल सकते हैं कि चार राज्यों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एवं बिहार में, ये चार राज्यों में विंध्याचल पर्वतमाला जो है इसका विस्तार है। ये तो हमने विस्तार देखा, इनमें पाई जाने वाली चोटियों की बात की। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि यह पर्वतमाला का उत्तर में कौन सा क्षेत्र है और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है। तो यह विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार है हमारा, अर्थात आप कह सकते हो विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में मालवा का पठार एवं दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। आपसे यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो या तो आपको मालवा क्षेत्र दिया जाएगा और भी ऑप्शन में आ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला के उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये तो हमने इनका विस्तार देखा, किन किन राज्यों में फैली हुई है, कौन कौन सी चोटियां हैं और किन क्षेत्रों में इनको किन नामों से जाना जाता है। उसके पश्चात विंध्याचल पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, उसके पश्चात विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में मालवा का पठार एवं दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि यहां पर चुकी ये चट्टाने हैं तो खनिज भी पाए जाते होंगे, तो खनिज में भी हमने आपको बताया कि जो विंध्याचल पर्वत है मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर एवं जो क्वार्टजाइट है इसके लिए जाना जाता है, इसकी चट्टानें यहां पाई जाती हैं। और जब चट्टानों का आप क्रम पढ़ेंगे, आर्कियन सेल सबसे पुरानी चट्टान है, तो जब आप देखेंगे कि उसके अंतर्गत विंध्यन क्रम की जो चट्टान आती है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपने देखा होगा भवन निर्माण से संबंधित सामग्रियां, जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, जैसे सीमेंट हो गई, जैसे ईंट हो गई, भवन निर्माण से संबंधित समस्त सामग्रियां ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। यही कारण है कि आपका ये कैमूर वाला क्षेत्र आपने देखा होगा, कटनी, सतना, मध्य प्रदेश का ये सब क्षेत्रों में सीमेंट की फैक्ट्री है, कटनी क्षेत्र में चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, चूना पाया जाता है, अर्थात खनिजों की दृष्टि से काफी संपन्न है और विशेषतः भवन निर्माण की यहाँ पर सामग्रियां पाई जाती हैं। अब ये तो हो गई विंध्याचल पर्वत की बात। विंध्याचल पर्वत को हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं, इनसे क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला के विस्तार की। विंध्याचल पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत अर्थात भ्रंशोत्थ पर्वत अर्थात झुमटा पर्वत
अर्थात या फॉल्स माउंटेन बोल सकते हैं या हॉस्ट के नाम से जाना जाता है उसका उदाहरण है। यह एक प्राचीनतम घर्षित श्रेणी है। उसके पश्चात इसका विस्तार गुजरात राज्य से लेकर आपके उत्तर प्रदेश बिहार तक विस्तारित है, छोटा नागपुर के पठार के पश्चिमी क्षेत्र तक। उसके पश्चात गुजरात में से जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों में भांडेर की पहाड़ी, उसके उत्तर प्रदेश एवं बिहार क्षेत्रों में इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। राज्यों की यदि हम बात करेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रमुख रूप से चार राज्यों में यह पर्वतमाला विस्तारित है। उसके पश्चात हमने खनिजों की बात की तो प्रमुख रूप से लाल बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट, इनकी चट्टाने से यह पर्वतमाला बनी हुई है। उसके पश्चात हम इसको यदि विस्तार उत्तर में देखेंगे, उत्तर में यह पर्वतमाला के उत्तर में मालवा का पठार एवं दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच में अवरोधक का कार्य करता है, या अवरोधक के अलावा हम बोल सकते हैं विभाजक का कार्य करता है। तो आपको पूछा जाता है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को विभाजित करने वाले पर्वत का क्या नाम है, तो यही विंध्याचल पर्वत है। ये उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करता है। नीचे वाला जो पोर्शन है वह प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत, और उसके उत्तर वाला पोर्शन उत्तर भारत कहलाता है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बार बार। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा महल श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतमाला है जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है। इसको बहुत गौर से आप देखिएगा, इनके बिंदुओं को आप गौर से सुनिएगा। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इसमें आप पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला से संबंधित बिंदुओं को। देखिए सतपुड़ा पर्वतमाला की भी बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सतपुड़ा पर्वतमाला यह भी एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अब हम इसके विस्तार पर बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार भी ये आपका गुजरात वाला पोर्शन है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा तक विस्तारित है। तो यदि हम इसकी बात करेंगे प्रारंभ की तो यह गुजरात से प्रारंभ है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो विभाजन करता है या विभाजक की रेखा या सीमा रेखा है, जो आपने अमरकंटक नाम सुना होगा, तो अभी हम चर्चा करेंगे वह अमरकंटक की भी, वहां तक विस्तारित है। अब यदि हम राज्यों की बात करें, यदि हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला कितने राज्यों में फैली हुई है, तो आप देख रहे हैं पहले मध्य प्रदेश में, सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात में। गुजरात के बाद हम चर्चा करते हैं कुछ पोर्शन इसका महाराष्ट्र में गया हुआ है, महाराष्ट्र के पश्चात यह जाती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद में यह जाती है छत्तीसगढ़ में। अर्थात सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार जो है ये चार राज्यों में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ में। अब यदि प्रश्न आता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। इसी प्रकार विंध्याचल में भी यदि पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो विंध्याचल पर्वतमाला का भी सर्वाधिक विस्तार हमारे मध्य प्रदेश में ही है। चलिए हम चर्चा करते हैं कि जब इतने राज्यों में फैली हुई है तो अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो जब यह गुजरात से प्रारंभ होती है तो गुजरात में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में सतपुड़ा पर्वतमाला को राजपीपला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में यह गाविलगढ़ की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में यह गाविलगढ़ पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला का, मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ है तो मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे पहले भी पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यह जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, आपका क्षेत्र है पचमढ़ी क्षेत्र में जो सतपुड़ा श्रेणी है हमारी, ये पचमढ़ी जो क्षेत्र है आपका, इस
पचमढ़ी क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है महादेव पर्वत। इसी महादेव पर्वत पर हमारी जो पंचमढ़ी है या पचमढ़ी जो है यह स्थित है। यहां पर एक इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये 1350 मीटर की हाइट है। देखिए मध्य प्रदेश में जब प्रवेश की तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो महादेव पर्वत श्रेणी पड़ती है, महादेव पर्वत श्रेणी में इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर स्थित 1350 मीटर है, यह चोटी जो की धूपगढ़ चोटी है यह मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है एवं पूरी सतपुड़ा पर्वतमाला की भी सर्वोच्च चोटी है। जो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जो या महादेव पर्वत बोले या पचमढ़ी नामक स्थान पर महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है और मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है और सतपुड़ा पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सतपुड़ा पर्वतमाला जब बैतूल पड़ता है तो बैतूल के पश्चात दूसरा दो भागों में डिवाइड है मध्य प्रदेश में। एक हम यदि इसके पश्चिमी भाग की यदि बात करेंगे तो पश्चिमी में इसको सतपुड़ा पर्वतमाला बोला जाता है, लेकिन जब ये बैतूल के पश्चात पूर्वी क्षेत्र इसका आता है तो पूर्वी क्षेत्र में इसको मैकल पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो ये मैकल पर्वतमाला जो है हमारा क्षेत्र है या मैकल की पहाड़ी जो है, आपने नाम भी सुना होगा मां नर्मदा जी का उद्गम होता है और मां नर्मदा को मैकल सुधा के नाम से जाना जाता है अर्थात मैकल पर्वत की पुत्री कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम इसी मैकल पहाड़ी से होता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए ये महादेव पहाड़ी हमारी पंचमढ़ी महादेव पर्वत पर सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एवं मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है। उसके पश्चात ये मैकल पर्वत श्रृंखला कहलाती है। बैतूल के पश्चात से ये मैकल पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, या जिसकी मैंने अभी बात की थी मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक जो 1036 मीटर समथिंग है, 1036 मीटर लगभग जो है इसकी ऊंचाई है। ये मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी अमरकंटक जो है इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से तीन नदियों का उद्गम अलग अलग विपरीत दिशाओं में होता है। मैं यहां बता देता हूं, मैंने ये प्लेस बनाया या पर्वत बनाया अमरकंटक, पर्वत का नाम है मैकल पर्वत। ये मैकल पर्वत यदि बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वतमाला का कौन सा भाग है, ये पूर्वी भाग है, सतपुड़ा का पूर्वी भाग। और इससे बात करेंगे तो ये पश्चिमी भाग कहलाएगा आपका। तो ये अमरकंटक जो है ये मैकल पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक जो 1036 मीटर जो है, कई बुक्स में 1050 भी दिया हुआ है, तो लगभग 1036 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अब इस अमरकंटक नामक जगह से तीन नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, जैसे पश्चिम की ओर एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा, एक नदी जो है ये पूर्व की ओर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी मध्य प्रदेश की सोन नदी, और एक और नदी प्रवाहित होती है जोहिला रिवर, जोहिला नदी। ये तीन नदियां जो है ये हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से प्रवाहित होती हैं। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ये दो राज्यों में विस्तारित है। अब देखिएगा एक पश्चिम में जा रही है, एक आपकी गंगा नदी में जाकर मिल जाएगी उत्तर पूर्व से होकर, और एक जोहिला रिवर जो आपने जोहिला कोयला क्षेत्र का नाम सुना होगा, ये काफी छोटी नदी है जो सूखी हुई है वर्तमान में, ये कोयला क्षेत्र के लिए जाने जाता है यह क्षेत्र जोहिला कोयला क्षेत्र। तो ऐसा जो प्रवाह, इस प्रवाह को हम बोलते हैं एरियल या अरीय प्रवाह। अभी जब आगे मेंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें नदियों के प्रतिमान या प्रतिरूप या प्रवाह जो है उनकी दिशा किन किन रूपों में उसको प्रवाहित होती है नदियां, उनमें से एक आता है आपका एरियल प्रवाह यानी अरीय प्रवाह। जैसे आपने देखा होगा चका होता है, चके के सेंटर से स्पोक निकले होते हैं चारों तरफ, इसी प्रकार ऐसा जो प्रवाह है प्रतिरूप है इसे हम बोलते हैं एरियल प्रवाह। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग दिशाओं में तीन नदियों का उद्गम हो रहा है। एक बार हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को
फिर से विस्तार से प्रारंभ से करते हैं, ज्यादा आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। सबसे पहले सतपुड़ा पर्वतमाला का यदि प्रारंभ माने तो गुजरात में राजपीपला पहाड़ी के नाम से होता है, उसके पश्चात यह महाराष्ट्र में फैली हुई है, महाराष्ट्र में इसको गाविलगढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके पश्चात मध्य प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो मध्य प्रदेश में यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी महादेव पर्वत पर स्थान बोला जाएगा तो पचमढ़ी जो है, और चोटी का नाम बोला जाएगा तो धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंची है यह स्थित है, और बैतूल के बाद से यह सतपुड़ा पर्वतमाला मैकाल पर्वत के रूप में जानी जाती है, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई लगभग 136 मीटर है, और ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो अमरकंटक है इसी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम अलग अलग दिशाओं में होता है, अलग अलग दिशाओं में होने के कारण ये प्रतिरूप अरीय या एरियल प्रवाह के रूप में जाना जाता है। ये तो हो गया, हमने इनकी विस्तार से चर्चा की। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर दक्षिण की हमने बात की, जैसे विंध्याचल की बात की कि विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार हम यदि सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें तो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में आप देख रहे हैं नर्मदा नदी, और सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण की यदि हम बात करें तो ये हमारी ताप्ती नदी है। अभी आप देखेंगे ताप्ती नदी जो है ये बैतूल के मुलतई ग्राम से चालू होती है और यह खंभात की खाड़ी से होती हुई यह भी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अर्थात सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यदि नर्मदा नदी की बात करेंगे तो आपने कई बार प्रश्न देखा होगा एग्जाम में आया है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी दो ब्लॉक पर्वत अर्थात एक विंध्याचल पर्वत और दूसरा सतपुड़ा पर्वत अर्थात विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली। अब हमें यह भी जानना आवश्यक है कि रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली किसे कहा जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं दो पठारीय क्षेत्रों या दो ब्लॉक पर्वत के बीच की जो घाटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियां भारत की हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत की 3 नदियां हैं। सबसे पहली है हमारी नर्मदा, नर्मदा के पश्चात है हमारी ताप्ती, और ताप्ती के पश्चात है हमारी दामोदर नदी, अर्थात नर्मदा ताप्ती एवं दामोदर ये 3 जो है ये हमारी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। अब यदि आपको इनमें से भी प्रश्न आता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाए या सर्वाधिक बहने के क्रम में जमाए भ्रंश घाटियों के, तो यह ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जो है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, उसके पश्चात ताप्ती और उसके पश्चात दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। अर्थात दो पठारी क्षेत्रों के मध्य बहने वाली घाटी में बहने वाली नदी को भ्रंश घाटी बोला जाता है, ठीक है, और या दो पर्वतीय ब्लॉक पर्वत के बीच बहने वाली नदी को भी हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब थोड़ा सा हम दामोदर नदी को भ्रंश घाटी यदि चूंकि हमने चर्चा की है तो दामोदर नदी कैसे होती है दो पठारी क्षेत्रों के बीच में, थोड़ा उसकी भी चर्चा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो झारखंड वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है हमारा, यहां पर एक पठार पाया जाता है जिसको कि हम छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, छोटा नागपुर का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है, खनिजों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है, काफी खनिज पाए जाते हैं यहां पर, इस कारण छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर आपने जर्मनी में देखा होगा, रूर नदी राइन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है ये पूरे विश्व में सर्वाधिक खनिज यहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक कंपैरिजन किया गया है कि भारत में सर्वाधिक खनिज छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसलिए छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिएगा यहां पर भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है और कैसे नदी दामोदर नदी इस भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये ध्यान रखिएगा ये छोटा नागपुर का जो पठार है यहां पर एक छोटे नागपुर के पठार से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है दामोदर नदी। यह दामोदर नदी इनके मध्य से प्रवाहित होती है और दो भागों में इसको विभाजित कर देती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ऐसी कौन सी नदी है
जो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभक्त करती है। तो आप बताएंगे दामोदर नदी, जब उत्तर में जो पठार है इसका नाम है हमारा हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में जो है इसे हम बोलते हैं रांची का पठार। आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हजारीबाग के पठार को और रांची के पठार को विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो आप बोलेंगे दामोदर नदी। यह दामोदर नदी इसको 20 से दो भागों में डिवाइड कर देती है, तो यहां पर दो पठारों का निर्माण हो सकता है। अब इसकी संरचना आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एक पठार हो गया आपका हजारीबाग का और दूसरा पठार हो गया आपका रांची का पठार। इन दो पठारी क्षेत्रों के बीच में यह नदी में जादू वह प्रवाहित होती है, इसे ही बोलते हैं हम दामोदर नदी। चूंकि दो पठारी क्षेत्रों के मध्य में बह रही है अर्थात भ्रंश घाटी में बह रही है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली ये तीसरी प्रमुख नदी है। अब यही दामोदर नदी जब आप पढ़ेंगे तंत्र में, आपने देखा होगा कि फरक्का बैराज के बाद से एक धारा हुगली और एक निकल जाती बांग्लादेश में पदमा के नाम से, तो यही हुगली जो है पर ये दामोदर नदी जाकर हुगली में मिल जाती है, इसलिए जो आपकी दामोदर नदी है ये हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, एक बार हम फास्ट रिवीजन और करते हैं, उसके पश्चात आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत को, विंध्याचल पर्वतमाला एक बात करेंगे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अर्थात ब्रह्मसोत्र पर्वत या हॉस्ट के नाम से जाना या झुंडा पर्वत कहते हैं। इसका प्रारंभ गुजरात में झोबर पहाड़ी के नाम से होता है और हमारे मध्यवर्ती भागों में मध्य प्रदेश में भांडेर पहाड़ी और हमारे पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश एवं बिहार वाले क्षेत्रों में इसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जो पर्वत आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके उत्तर में मालवा का पठार, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये आपके लाल बालू पत्थर एवं क्वार्ट्जाइट से इसकी चट्टानें जो है ये बनी हुई है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है, इस विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। उसके पश्चात हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, और विंध्याचल पर्वतमाला में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है कि ऐसा कौन सी पर्वतमाला है जो विभाजित करती है या अवरोधक का कार्य करती है, जो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला, इसका प्रारंभ गुजरात में राजपीपला पहाड़ी से होता है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में गाविलगढ़ की पहाड़ी, उसके पश्चात मध्य प्रदेश में यह सतपुड़ा पर्वत जो माला है उसकी सर्वोच्च चोटी महादेव पर्वत पर पंचमढ़ी इस पर स्थित है, उस पर धूपगढ़ चोटी है जो 1350 मीटर ऊंची है। उसके पश्चात पूर्वी क्षेत्र में इसे मैकल पर्वत के नाम से या मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यही जो अमरकंटक है यहां से तीन नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, नर्मदा पश्चिम की ओर आ जाती है, फिर उत्तर पूर्व की ओर गंगा नदी में मिलने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी सोन नदी और एक जोहिला छोटी नदी भी यहां से प्रवाहित होती है, अर्थात तीन नदियों का उद्गम अलग अलग दिशाओं में होता है, इसे हम एरियल या अरीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला हो गई। अब क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आने वाला कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में बह रही है, विंध्याचल और सतपुड़ा। उसके पश्चात इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है सतपुड़ा में, ताप्ती। अब एक क्वेश्चन और बार बार आता है, ताप्ती नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच प्रवाहित होती है, तो ये ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र क्षेत्र में एक छोटी पहाड़ी है, आपको पता होगा अजंता की पहाड़ी। इस अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। यह जो ताप्ती नदी है ये बैतूल के मुलतई ग्राम से उद्गमित होती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये नदी भी जो है ये भी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और ये नर्मदा एवं ताप्ती ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की, इससे संबंधित यदि आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह हम भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सभी महत्वपूर्ण जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर हम सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे। इसके आगे हम चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। इसलिए सारे जितने भी वीडियोज हैं उनको आप देखते जाइएगा, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर होते रहें। थैंक यू वेरी मच।